इसका मतलब ये नहीं है कि आप राम मंदिर को तोड़ के अकबर का नाम में मस्जिद बनाएगा, इसको सेकुलरिज्म नहीं बोलता है। जिस समय बस हर तरफ एक ही चर्चा जोरों पर है, हमास और इजराइल के बीच युद्ध की, सभी देशों की निगाहें इस युद्ध पर टिकी हुई हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत से लेकर सभी बड़े बड़े देश इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन अरब देशों की अगर बात करें तो सभी अरब देश इजराइल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद पूरे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, और जॉर्डन में इजरायली दूतावासों के साथ साथ तुर्की और लेबनान में अमेरिकी दूतावासों के पास प्रदर्शन किया गया। ईरान, मोरक्को, ट्यूनिशिया, यमन और इराक में भी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इसी के साथ साथ भारत के मुस्लिमों ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। भारत के मुस्लिम भी फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। वहीं जिस समय भारत के मुसलमान हमास का समर्थन कर रहे हैं, ठीक उसी समय एक बयान वायरल हो गया। आपको बता दें, जहां भारत में सनातन को खत्म करने की बातें हो रही हैं और हमास का लगातार समर्थन किया जा रहा है, इसी बीच हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर विपक्ष के भी होश उड़ गए। चलिए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। ये मोदी न्याय योजना है, मोदी ने 2100 रुपया देता है, आपने 600 रुपया दे के पूरा स्कीम को ही अपना नाम कर देते हो, इसको अन्याय योजना बोलता है, इसको न्याय योजना नहीं बोलता है। भाई और बहनों, आज हमारा देश में कांग्रेस का शासन काल में लात देहात का शुरू हुआ। आज छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और हमारा असम जैसा आदिवासियों लोगों को हर दिन धर्मांतरण के लिए उत्साह दिया जाता है, एनकरेज किया जाता है, और जब उनका खिलाफ आवाज उठता है तो भूपेश बघेल जी बोलता है हम लोग सेकुलर है। अरे हिंदू को मारना थूकना क्या तुम्हारा सेकुलरिज्म है? ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का रहेगा। ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सीखा, आपसे मुझको सेकुलरिज्म का भाषा सीखना नहीं है। अभी अभी हमारा सांसद जी ने भाषण दिया था, वसुधैव कुटुंबकम हम जानता हूँ, वसुधैव कुटुंबकम विश्व को हम दिया हूँ। हमें सेकुलरिज्म का बात मत सीखा। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप राम मंदिर को तोड़ के अकबर का नाम में मस्जिद बनाएगा, इसको सेकुलरिज्म नहीं बोलता है। भाई और बहनों, जो भी संविधान का विशेषज्ञ है आप बुला के ले आइए, हम बात करेगा क्या धर्मांतरण को क्या सेकुलरिज्म बोलते हैं। हमारा देश में राम का निशाना मिटा देगा, हमारा आदिवासियों को जुल जुलूम करके धर्मांतरण करना और हमारा ये माता कौशल्या का भूमि कोई अकबर का हाथ में दे देना, ये सेकुलरिज्म नहीं बोलते हैं। और इसका कोई सेकुलरिज्म हम मानने के लिए तैयार भी नहीं। हमारा संत सेकुलरिज्म बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया है, हमारा सेकुलरिज्म हिंदुओं का सभ्यता ने हमें सेकुलरिज्म दिया है, हम सेकुलरिज्म का मतलब जानता हूँ। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए खबर पुस्तक के साथ।